चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूँ आपके अपने क्रिएटर रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम जो है एक स्टैंडर्ड के ग्रामर के टॉपिक से आया। अगर आप किसी और स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हो तो आप भी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ये आपके लिए भी है, ठीक है। अब लेकिन ये स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है 8 स्टैंडर्ड के लिए। अब आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ग्रामर का, वो है फिगर ऑफ स्पीच। और फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप आगे चलकर जब बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये जो फिगर ऑफ स्पीच आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में कंपल्सरी पूछा ही जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। तो इस वजह से हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच एक्चुअली होता है क्या? फिगर ऑफ स्पीच आपके जो सेंटेंस होते हैं उसको क्या करता है, उसको अट्रैक्टिव बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम तैयार होते हैं, हम मेकअप करते हैं, हेयर स्टाइल अच्छा करते हैं, क्यों करते हैं? बेसिकली इंप्रेस करने के लिए, ताकि हम अट्रैक्टिव दिख सके। तो वही जो फिगर ऑफ स्पीच क्या करता है, आपकी जो सेंटेंस होते हैं, आपके कम्युनिकेशन को क्या करता है, आपका अट्रैक्टिव बनाता है कि सामने वाला जो बंदा है वो इंप्रेस हो जाए। क्लियर है? चलो अब एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला सिमिली आता है। सिमिली मतलब क्या होता है? सिमिली बेसिकली एक कंपैरिजन होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो लोगों के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। और बेस्ट ट्रिक क्या, अगर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है वहां पे लाइक या फिर एज अगर आता है तो सिमिली है। जैसे अगर मैं बात करूं, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, वो स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पे स्टील और एक लड़की के बीच में क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया, किसके लाइक की मदद से। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? सिमिली बोलेंगे। जैसे ही इज एज कूल एज आइस, वो आइस की तरह कूल है। तो ये क्या किया, वो हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, किसका, आइस के बीच में और उस बंदे के बीच में। क्लियर हो गया? दूसरा क्या होता है, मेटाफोर। अब मेटाफोर में भी क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, बट इसमें लाइक और एज यूज नहीं होता। यहाँ पे इज आई ये सारी चीजें क्या यूज होती है। जैसे अगर बात करूं, लाइफ इज अ ज्वेल, लाइफ का एक हीरा, एक ज्वेल है। सही बात है, हम बोलते हैं अपने दोस्त को तू गधा है, वो सच में गधा होता है नहीं, उसकी जो क्वालिटी होती है वो गधे जैसी होती है, बट वो गधा होता है क्या, नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको गधे से क्या कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, आपका मेटाफोर होता है। तू सलमान खान है, वो सच में सलमान खान होता है नहीं, उसकी क्वालिटी कुछ हो सकती है, वो जो एक्टर है हमारे उनके जैसी हो। तो इस वजह से क्या होता है, वो मेटाफोर होता है। अलिटरेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसे लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लिची, तो यहाँ पे अल्फाबेट जो एल है, एल 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 रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है। तो जब कभी भी एक सेंटेंस दिया और वहां पे जो अल्फाबेट कोई भी एक सिंगल अल्फाबेट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है हर एक वर्ड के स्टार्टिंग में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिटरेशन बोल रहे हैं। अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है तो वो एलिटरेशन हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो चंदू के चाचा चो, ठीक है, रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा, तो क्या हो गया, आपका एलिटरेशन हो गया। रिपीटेशन क्या होता है, जब एक वर्ड एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बार रिपीट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रिपीटेशन बोलते हैं। जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ट्विंकल ट्विंकल क्या हो गया, आपका रिपीटेशन हो गया। जॉनी क्या हो गया, आपका रिपीटेशन हो गया। टोटोलॉजी मतलब क्या होता है, जब एक ऐसा सेंटेंस आए जिसमें जो एक दो ऐसे वर्ड्स दिए हो जिनका मीनिंग जो है सेम हो। जैसे अगर दिया है इट वॉज अ कंटिन्यूस अनएंडिंग सॉन्ग, कंटिन्यूस मतलब ना रुकने वाला, अनएंडिंग भी ना रुकने वाला, जो चलता रहेगा। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, टोटोलॉजी बोला गया। क्या बोला गया, टोटोलॉजी। इट वॉज बिग एंड ह्यूज, बिग का भी मतलब बड़ा होता है और ह्यूज का मतलब भी बड़ा होता है, तो क्या होता है, वो टोटोलॉजी होता है। एंटीथेसिस मतलब क्या होता है, आवर लॉस इज योर प्रॉफिट। अब जब कभी भी एक सेंटेंस है जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स है, देखो लॉस और प्रॉफिट एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं अपोजिट है, तो उसका हम एंटीथेसिस बोलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, शी इज ब्यूटीफुल बट एट द टाइम his mind is ugly, तो her mind is ugly, clear हो गया? तो क्या बोला है, she is beautiful but her mind is ugly, मतलब वो तो beautiful दिखती है लेकिन उसका जो दिमाग है वो क्या, ugly यानी बेकार है, ठीक है। तो beautiful और ugly opposite word है कि नहीं, तो ये antithesis हो गया। फिर next क्या आता है, personification। जब कभी भी एक human quality एक आपके non living thing को दी जाएगी तो उसको हम personification। जैसे ये चाबी मुस्कुरा रहा है, तो चाबी मुस्कुरा सकती है क्या, नहीं। ये क्या पर्सोनिफिकेशन, क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है जो सांस नहीं ले सकता, अपने हिसाब से मूवमेंट नहीं कर सकता, तो इसको हमने क्या दिया, ह्यूमन क्वालिटी दी। मुस्कुराना किसका काम है, हम ह्यूमंस का काम है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। अब हाइपरबोल मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी फेंकना। जैसे अगर मैं बात करूं, यू आर एज लाइट एज फेदर, मतलब तुम हल्के फेदर जो पंखुड़ी होती है जैसा, एक फूंक मारूंगा ना उड़ाई, तो ये मैंने फेंका ना, तो ये क्या होता है, ये हाइपरबोल होता है, ठीक है। फिर आता है इंट्रोगेशन। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आ गया तो समझ जाना वो इंट्रोगेशन है। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, जब सेंटेंस प्रॉपर ऑर्डर में क्या अरेंज नहीं होता तो उसको हम लोग इंट्रोगेशन बोलते हैं। जैसे वेंट अप द बलून, ये उल्टा है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग फिट के लिए क्या गया, इधर का उधर किया गया। एक्चुअल में सेंटेंस के साथ द बलून वेंट अप, ये सेंटेंस बनेगा, तो इसको इन्वर्जन बोलेंगे। एक्सक्लेमेशन सी है, आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, तो ये आपका क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने जो है आपके जितनी भी चीज आपको रिक्वायर्ड है वो हमने कवर कर ली।
आई होप आपको चीज समझेंगे, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों साथ शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके आपके अपने कौन से ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।